तो क्लास टेंथ का चैप्टर दो बहुपद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ये पार्ट दो है। पार्ट वन में मैंने ना ये सब क्वेश्चन करा दिया है, इसको रिवाइज कर लेना। तो मैं यहाँ से कराऊँगा पांचवा क्वेश्चन। कहता है त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो त्रिघात बहुपद का एक शून्य रूट दो है, यानी इसका एक जीरो दे रखा है रूट दो है, तो अन्य शून्य ज्ञात करो। देखो त्रिघात बहुपद है ना, तो इसके तीन शून्य होते हैं, तो एक शून्य दे रखा है, बाकी अन्य शून्य यानी दो और ज्ञात करने हैं। तो कैसे करूँगा देखना। तो पहले तो लेट कर लेते हैं, ये जो भी बहुपद दिया होता है ना, इसे पी एक्स लेट कर लेते हैं। और इसका एक शून्य रूट दो है, तो x बराबर रूट दो शून्य का इसका। अभी जो ये जो x बराबर रूट दो है ना प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस रूट दो बराबर जीरो हो जाएगा। तो यानी x माइनस रूट दो जो है ना, ये इस बहुपद का ये गुणनखंड होता है, तो इसको हम जी एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी ये शून्य दिया था, इसको x बराबर ले लेना, प्लस का दिया हो तो इधर आके माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब ये ना इस बहुपद का गुणनखंड है, तो अब इस gx को gx से इसको भाग देंगे। अब लिख देंगे px को gx से भाग देने पर। अब ना इसे हम भाग करने वाले हैं, देखो कैसे भाग करेंगे, इसको भाग करना है ना, तो ऐसे करेंगे। देखो ये नौवीं में सीखा होगा, 6x की क्यू जमा रूट 2x का स्क्वायर घटा 10x घटा 4 रूट 2, और इसको भाग करना है किससे, इससे x घटा रूट 2 से। तो x घटा रूट 2 से इन सबको मैं भाग करके दिखाता हूँ। देखो कैसे भाग करते हैं, ये जो सबसे बड़ा है ना 6, तो 6x की q को x से भाग देना है, तो कहीं बगल में 6x की q को x से भाग दोगे ना, कट के 6x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिखो 6x स्क्वायर, इसको इन दोनों से गुना करो तो आ जाएगा 6x की q, और जब ये इससे गुना होगा तो हो जाएगा घटा 6 रूट 2x स्क्वायर। हाँ डिवाइड, इस 6x की q को इस बाहर वाले x से भाग देंगे, 1x कट जाएगा 6x स्क्वायर आएगा, इस आंसर को यहाँ लिख देंगे। अब जो ये आंसर आया इसको इन दोनों से गुना करेंगे, तो इससे गुना होगा तो 6x की क्यू, और इससे गुना होगा तो 6 रूट 2x स्क्वायर। अब ना निशान बदलो, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट के जीरो आ जाएगा, और ये 6 और 1 जुड़ के 7 रूट 2x स्क्वायर आ जाएगा, और हासिल आ जाएगा घटा 10x। ये हासिल अगर घटा है तो घटा उतारो, प्लस से प्लस उतारो, लेकिन ये जो माइनस था इसका निशान बदल गया है, प्लस 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 होता है, तो 6 और 6 रूट 2 और 1 रूट 2 जुड़ेगा तो 7 रूट 2। अब इसको इससे भाग देना है, तो अब 7 रूट 2x स्क्वायर को x से भाग दोगे तो ये कट कर क्या आएगा, 7 रूट 2x, तो यहाँ लिख दो प्लस का 7 अंडर रूट 2x, तो आ जाएगा। अब ये वाला इससे गुना होगा तो 7 क्या हुआ, ये 1x कट गया ना, तो 7 रूट 2x आ गया, तो यहाँ लिख दो। अब इसको ना इस इन दोनों से गुना करेंगे तो 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर, और जब ये इससे गुना होगा तो घटा, तो 7 रूट 2 जब इससे गुना होगा रूट 2 से, तो रूट 2 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी घटा 14 x आ जाएगा, ठीक है। अब निशान बदलो, माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा और ये भी जमा घटा हो जाएगा, 14 में से 10 गया तो 4x, और यहाँ से ले जाएगा घटा 4 रूट 2। अब इस 4x को इस x से भाग दो, तो 4x को x से भाग दोगे तो कट के 4 आएगा, तो यहाँ लिख दो 4। अब इस 4 को इन दोनों से गुना करोगे तो 4x घटा 4 रूट 2। अब निशान बदलोगे तो प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, तो ये भी कट के 0, ये भी कट के 0, तो ये 0 आ गया सिंपल। तो ये हमारा फैक्टर आ गया, तो अब ये जो फैक्टर आया है 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको 0 रख के इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर ऐसी करना है जो अभी बताया था, 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर, इसका ऐसे फैक्टर करना है कि मेरा 7 रूट 2 आ जाए, 24 का एलसीएम लो
तो आ रहा है दो 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 और तीन आ रहा है, तो दो दूनी चार, तीन रहने दो, और ये जो दो है इसको रूट दो और रूट दो लिख सकते हैं, यानी जो रूट दो गुना करने पे दो आता है ना, तो इसीलिए इस रूट को उल्टा, इस दो को उल्टा लिख दो, रूट दो चार के साथ और एक रूट दो तीन के साथ, तो दो दूनी चार और चार रूट दो और ये तीन इस रूट दो के साथ आएगा, तीन रूट दो। तो मैं इस सात लाना चाहता था ना, तो 24 का टुकड़ा हो जाएगा चार रूट दो और तीन रूट दो एक्स प्लस चार बराबर जीरो, और ये आगे वाला छः एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम इसे गुना करोगे तो 24 आएगा, और इसे अगर जमा घटा करोगे तो जोड़ो चार तीन ये आ जाएगा ना सात, और रूट दो दो, और इसे गुना करोगे तो ये 24 आएगा। देखो चार तिया बारह और रूट दो दो होता है, तो बारह दो नहीं 24 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या ले लें, तो इसमें से अगर मैं रूट दो का पाड़ा कॉमन ले लूँ, रूट दो ज़बरदस्ती एक रूट दो और एक्स कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे तीन रूट दो एक्स और प्लस चार। ऐसे यहाँ पर एक का पाड़ा कॉमन लेंगे तो तीन रूट दो एक्स प्लस चार बराबर जीरो, तो आ जाएगा एक बार रूट तीन एक्स, ये तीन रूट दो एक्स प्लस चार, ये दोनों जुड़वा हो गए ना, इन्हें एक बार लिखते हैं, और फिर ये वाला ये जो रूट दो एक्स है और प्लस एक एक बार बराबर जीरो, एक बार इसको जीरो रख देंगे, इसको जीरो रख देंगे, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार तीन रूट दो एक्स बराबर प्लस चार को जीरो रख देंगे, फिर रूट दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो रख देंगे। अब ये प्लस का चार उठ जाके माइनस चार हो जाएगा, और तीन रूट दो जो था ये बटे में आ जाएगा तीन रूट दो, तो एक्स की वैल्यू आ गया। ऐसे ये प्लस का एक उधर जाएगा माइनस एक और रूट दो बटे में जाएगा, तो ये हमारा अन्य शून्य का आ गया। तो कई बार क्या होता है कि रूट दो ना बटे में कम लिखते हैं, तो इसका हर का परिमेकरण कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करो, रूट दो ऊपर नीचे यहाँ गुना कर दो, तो इसका आंसर जाएगा घटा रूट दो बटा दो, तो एक शून्य ये हो जाएगा, और इसको भी सोल्व कर देना है तो ये भी आ जाएगा। तो रूट दो दो हो जाएगा, दो से चार कट जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा घटा दो रूट दो और नीचे तीन आ जाएगा, ठीक है। तो घटा दो रूट दो बटा तीन आ जाएगा, तो दो शून्य का आ गया। तो एक शून्य का हमें दिया हुआ था रूट दो, हमें अन्य शून्य निकालना था, तो ये हमारा अन्य शून्य का आ गया। तो उत्तर लिख देंगे अन्य शून्य ये दोनों हैं। तो समझ में आया कैसे करना था, तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको रिवाइज कर लेना है। अगला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, यानी ये जो आगे वाला लिखा है ना, ये शून्यकों का योग है, यानी सम ऑफ जीरोज, और गुणनफल यानी ये शून्य गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, और उनके शून्यक, और फिर उनके शून्यक भी ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करूँगा मैं फैक्टराइज मेथड से, इसके जीरोज भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है घटा आठ बटा तीन और चार बटा तीन, ये क्या दिया हुआ है आगे वाला, ये आगे वाला जो दिया हुआ है वो है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या दिया है, घटा आठ बटे तीन और शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है चार बटे तीन। तो इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल को सम ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन, तो अभी एक सूत्र याद करना है हमें, क्या निकालना है द्विघात बहुपद। तो एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का, इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुना में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी ये वाला लिख दो घटा आठ बटे तीन इंटू एक्स और प्लस गुणनफल यानी ये रहा चार बटे तीन बराबर जीरो। अब ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आठ एक्स बटा तीन और चार बटा तीन बराबर जीरो। अब इसका बटे में एक लेके एलसीएम ले लो, तो सबका एलसीएम तीन एकम तीन आएगा, तीन एकम तीन एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस चार बराबर जीरो। तीन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा जीरो से, तो तीन गुना जीरो ये जीरो ही हो जाएगा, तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस चार। तो ये हमारा आ गया दिक्कत होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा था ना आगे कि गुणनखंड विधि से शून्य भी ज्ञात करो, तो अब इसका फैक्टर करेंगे
तो चार तियाँ बारह एक्स स्क्वायर। अब 12 का एलसीएम लोगे तो 6 × 12 होता है, तो 6 × 12 मुझे 8 बनाना है ना बीच में, तो 6 × 2 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, तो एक्स एक्स और जोड़ दो इन्हें, तो 6 × 2 8 आ जाएगा जोड़ने पे, और इन्हें गुना करोगे ना 6 × 12 ही आएगा और एक्स 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 स्क्वायर आएगा प्लस 4 = 0 और आगे वाला लिख दो 3x². अब इसमें से तुम 3x कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स प्लस 2, यहाँ से तुम 2 का पाड़ा कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक बार लिख देंगे, तो x+2 x+2 एक बार लिख देंगे, और जो बाहर वाला 3x+2 इसे ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे। अब एक बार इसको 0 ले लेंगे तो x+2 = 0 रख देंगे, और एक बार 3x+2 = 0 रख देंगे, तो x = -2 आ जाएगा और 3x = ये प्लस का 2 तो जाएगा तो -2, और x के लिए निकालोगे तो 2 - 2 और ये 3/3 में आ जाएगा, तो ये दोनों हमारा शून्य का आ गया। ठीक है, तो पर्सन में यही करना था, शून्य का निकालना था। ठीक है, तो अब ये देखो पर्सन क्या था, प्रश्न था ना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो ये योग और गुणनफल दिया गया था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो मैंने उसके लिए सूत्र बताया था वो कर लेना, और उनके शून्य का गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। तो जब ये इस सूत्र से जब ये निकल जाएगा तो फिर इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, फिर ऐसे फैक्टर कर देना, इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फिर दोनों शून्य का आ जाएगा। तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं ये 7वां क्वेश्चन। तो प्रश्न ये वाला, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की घात 3 होती है। तो कहता है त्रिघाती बहुपद के शून्य a+b और a+2b है, यानी 3 शून्यक होते हैं त्रिघाती बहुपद के। तो पहला a है, दूसरा a+b है और तीसरा a+2b है, और किन्हीं वास्तविक संख्या a और b के लिए है ये। तो प्रदत्त बहुपद यानी जो बहुपद दिया गया है इससे a और b का पहले मान पता करना है क्या होगा, और जब मान पता चल जाएगा तो यहाँ रख दोगे a b का मान, तो शून्य ज्ञात करो तो शून्य भी पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद के शून्य दे रखा है a a+b a+2b, प्रदत्त बहुपद यानी दिए हुए बहुपद से a और b का मान ज्ञात करना है, फिर शून्य भी ज्ञात करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, तो पहले जो भी बहुपद दिया होता है इसे px लिख लेते हैं, लेट अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे कि क्या पुट करें कि ये 0 आ जाएगा। तो x = -1 रखने पर तुम पाओगे ना, तो -1 रखने पे 0 आ जाएगा। तो रख के देखते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, तो x की क्यू की जगह -1 की क्यू, फिर घटा 6x² की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 × x, x की जगह -1 + 10, -1 की क्यू -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 6 से गुना होगा तो -6, 3 × 1 - 3 + 10, तो सब जुड़ जाएगा, ये 6 × 1 = 7, 3 + 10 + 10, तो ये आ जाएगा 0। तो यानी x = -1 बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। तो लिख देंगे x = -1 बहुपद का शून्यक है, और हमें बहुपद के 3 शून्यक दिए हुए थे, एक a, एक a+b और a+2b। तो a यानी पहला वाला पता चल गया, तो यानी ये a है, तो a = -1 है यानी। ठीक है, अब हमें रह गया बस b निकालना, तो ले देंगे आता है a के लिए -1 है। अब b निकालने के लिए अब एक सूत्र होता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है तो -b/a होता है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू ये घटा 6 है, c की वैल्यू यहाँ 3 है और d की वैल्यू यहाँ 10 है। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, घटा 6 और 1 = 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, एक तो फॉर्मूले में माइनस है और b की जगह -6/1, तो -6 हो जाएगा। और शून्य को योगफल, तो 3 शून्य दिए थे ना, a, दूसरा था a+b और तीसरा था a+2b, तो इन तीनों को जोड़ो तो a 3 हो जाएगा और b 2b, तो 3b हो जाएगा। अभी a का मान पता चला है -1 है, तो 3 × a की जगह -1 रख देंगे और +3b = 6, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, फिर जमा 3b = 6, ये घटा का 3 6 आ जाएगा तो जमा हो जाएगा 3b = 6 + 3, 3b = 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू घटा 1 आ गया और b की वैल्यू 3 आ गया, तो यही मान निकालना था।
फिर हमें शून्य भी ज्ञात करना था, तो शून्य क्या था, a, फिर a प्लस बी और a प्लस टू बी था ना, तो एक एक करके यहाँ रख देंगे शून्य का आ जाएगा, a की जगह माइनस वन, एक जगह माइनस वन, b की जगह तीन, a की जगह माइनस वन, फिर दो गुना तीन, तीन में से एक गया दो, तीन दो नीचे में से गया पाँच, तो हमारा शून्य का आ गया घटा एक, दो और पाँच, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।